अस्सलाम वालेकुम। आतिफ मंगेश अपनी 38th एपिसोड के साथ, और आज हम टॉपिक को रिज्यूम करेंगे। SEO स्ट्रेटजी को हम पढ़ रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं वो क्या क्या हैं, और कुछ टैक्टिक्स हमने कर ली थी पिछली दो एपिसोड्स में। और आज जो मैं आपके सामने एक बड़ी विनिंग टैक्टिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ योर लिंक बिल्डिंग। किसी भी वेबसाइट को के लिए अपने लिंक्स को बढ़ाना, और ऐसे लिंक्स, लिंक बिल्डिंग है क्या? लिंक बिल्डिंग ये है कि आप आपकी वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट्स पर लिंक्स मौजूद हों, आपके पेजेस के, आपके की पेजेस के, आपके की टॉपिक के हवाले से जो पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर, उसके लिंक्स दूसरी पेजेस, दूसरे जो वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन पे आपका रेफरेंसेस अवेलेबल हों। गूगल एल्गोरिदम क्या करता है इस सिलसिले में कि अभी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो लिंक बिल्डिंग है या बैक लिंक्स हैं ये इतने कारामद नहीं रहे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी भी हैं और इनका हमेशा एक अच्छा रोल रहेगा किसी भी अपने अपने कंटेंट को जब आप ऊपर लाना चाह रहे हैं सर्च रिज़ल्ट में। तो लिंक बिल्डिंग एक बहुत अहम और बड़ी ज़रूरी टैक्टिक है जिसको हमें सक्सेसफुली इसको बिल्ड करना है अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए। और ये ख़ास तौर पे आपको जो लोकल SEO होता है उसमें ये बहुत कारामद होती है, क्योंकि आप लिंक्स बड़ी आसानी से अपने एरिया में, जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे बिन डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक फौरी रिजल्ट्स हासिल करने के लिए एक टैक्टिक हो सकती है। और क्योंकि मुख्तलिफ अच्छी वेबसाइट से लोग कंटेंट ढूंढते हुए अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो वो आपकी जो रैंकिंग है उसको बहुत तेज़ी से अप करते हैं गूगल एल्गोरिदम में। बेसिकली आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और बैकलिंक्स पेड भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, कि आप बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपनी लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और फिर उसको उन टूल्स की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसमें से कुछ टूल्स आपके साइट पर स्क्रॉल करते हुए नज़र आएंगे, या वक्तन फवक्तन मैंने जो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको वो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आते रहेंगे मुख्तलिफ। इनको नोट करते जाएं और इनको इस्तेमाल करें और देखें कि कौन सा लिंक जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपकी वेबसाइट रैंक होती है ऊपर। इसमें जो चीज़ें आपने, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो बड़ा ज़रूरी होता है लिंक बिल्डिंग में। एक तो ये कि सबसे पहले जो आपके जानने वाले हैं जिनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, सबसे पहले तो उनको कहें कि आप लिंकिंग इसमें आपके उनके जो आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग्स हैं या जो भी हैं उनमें आपकी लिंक्स डेवलप हो जाएं। तो अब ये लिंक बनाना कैसे? लिंक ऐसे नहीं बना देना कि जाके आपने उसमें सिंपल अपना URL लिख देना है या इस तरह नहीं। इसको हम बेहतर यह है कि आप जो अच्छी ब्लॉगिंग साइट हैं, चाहे वो आपके जानने वालों की हैं या आपके एरिया में जिनको आप जानते हैं कि जो ब्लॉगिंग करते हैं और जिनकी जिनके ब्लॉग्स पे अच्छी ट्रैफिक आती है, तो उनके लिए, उनसे कई लोग आपसे ये सर्विस आपको देंगे पेड, आपको उनको पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी आपके आर्टिकल्स को उसमें पब्लिश कर देंगे। और कुछ आप गेस्ट ब्लॉगिंग की इजाज़त देते हैं तो वहाँ पे जाके अपनी जो गेस्ट ब्लॉग है वो अच्छा सा लिख के यूनिकली। अब जो ब्लॉग है, जो गूगल की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको बड़े आराम से वेब मास्टर टूल्स वगैरह में अगर आप पढ़ें तो आपको इसकी बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि किस किस्म के आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, कैसे यूनिक वर्ड्स और यूनिक कीवर्ड्स आपने तलाश करने हैं। हम पीछे देख चुके हैं कि कीवर्ड्स हमने कैसे ढूंढने हैं, किन टूल्स की मदद से ढूंढने हैं। सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेटजी बना लें, आपको ये चीज़ बड़ी वाजे हो जानी चाहिए कि आप किस किस्म के कीवर्ड्स को लेके आगे चलना चाहते हैं।
जब आपको अपनी निश पता लग जाती है, अपने ख़ास कीवर्ड्स और अपनी मार्केट का अंदाज़ा हो जाता है, तब आप उन कीवर्ड्स की मदद से ही अपने कंटेंट, अपने वेबसाइट का जो पूरा कंटेंट है वो भी उन्हीं कीवर्ड्स में, कोई 15-16 या मैक्सिमम 10-12 ऐसे कीवर्ड्स आप देख लें जिनको आपने अपने पेजेस में, अपने जो वेबसाइट की कंटेंट है उसमें बार बार अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। और फिर जब आप उसको एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे, जैसे बैक लिंक्स वगैरह क्रिएट करेंगे, तो उन्हीं की मदद से आपने उस अपने अपने वेबसाइट को लिंक करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो गूगल है वो ये देख रहा होता है कि पहली चीज़ तो वो ये देखता है कि आपके बारे में जो दूसरी वेबसाइट्स लिख रही हैं और बैक लिंक क्रिएट कर रही हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। बाज़ जो नॉर्मल .coms या .net होती हैं उसमें हर तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं, कुछ लोग कुछ की इतनी रिप्यूटेबल वेबसाइट्स नहीं होती हैं जो सिर्फ इसी काम में लगी हुई होती हैं कि वो बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट कर रही हों और स्पैमिंग कर रही हों और इस किस्म की चीज़ें, तो गूगल उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको रैंक, उनका जो रैंक है वो नीचे करता जाता है। जो अगर आपका लिंक भी उन्हीं वेबसाइट्स पर पड़ा हुआ है तो उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी वेबसाइट पर भी आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ऐसी अच्छी वेबसाइट्स का इंतखाब करें जो ख़ुद क्रेडिबल हैं और जो जो गुड अपने जो गूगल है या दूसरे सर्च इंजन हैं उसमें अच्छे रैंक्स करती हैं। अब रैंकिंग का कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें डोमेन अथॉरिटी है या उसके जो कंटेंट रैंकिंग है वो किस लेवल की है वो आपने चेक करनी है। जो मैं ये टूल्स वगैरह आपको बता रहा हूँ, पिछले एपिसोड्स में भी बताया था, इसमें भी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं की मदद से आपने वो सब तमाम इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने दूसरी वेबसाइट्स की भी जिनमें आप अपना बैकलिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, और जो आपकी अपनी इंटरनल कंटेंट है वो भी आपको यहीं से स्ट्रेंथ पता लग जाएगी कि आपकी वेबसाइट कितनी तेज़ी से रैंक होगी गूगल में। तो एक तो इसमें, और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, कोशिश करें कि उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने पेजेस को क्रिएट करें। जैसे लेट्स से कि अगर आप इस्लामाबाद डेंटिस्ट को का एक कीवर्ड को लेके चल रहे हैं, तो आप अपने पेजेस जो अपने जो डेंटिस्ट की वेबसाइट है या जो भी आप किसी डेंटिस्ट को सर्विस दे रहे हैं, तो डेंटिस्ट के कीवर्ड्स आप इस फील्ड के कीवर्ड्स 15-16 इकट्ठे कर लें और उन्हीं की मदद से जो इंटरनल आर्टिकल्स हैं वो भी, ब्लॉगिंग बड़ी ज़रूरी है, गूगल ये देखता है। देखें ये नहीं होता कि आपने, अब नॉर्मली ये होता है कि आप कोई भी किसी भी कंपनी की या किसी क्लिनिक की या किसी चीज़ की भी वेबसाइट बनाएंगे, उसमें 4-5 पेजेस बना के उसको छोड़ देंगे। अब अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा कि गूगल का स्पाइडर एक दफ़ा आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपके कंटेंट को इंडेक्स करके चला जाएगा, और उसके बाद दोबारा आएगा अगर उसको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, अगर उसको कोई चेंज कंटेंट में या कोई नया कंटेंट नज़र ना आया, तो वो फिर अपना टाइम फ्रेम बढ़ाता जाएगा आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में। हो सकता है फिर वो नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आए, अगर आपने 6 मंथ में भी कोई उसमें अपनी कंटेंट की चेंजेस नहीं की, तो फिर हो सकता है वो 1 ईयर के बाद आए। और फिर कुछ इस तरह होता है कि कुछ वेबसाइट्स पे वो सालों साल नहीं आता, तो वो कंटेंट आप जितना मर्ज़ी उसको जोर लगा लें, अच्छे अच्छे प्लगइन्स इस्तेमाल कर लें, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें SEO के, लेकिन अगर आप गूगल आपकी उसका जो स्पाइडर है वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा, तो आप इंडेक्स नहीं हो रहे। इंडेक्स वो तभी होगा जब वो अब उसको वही कीवर्ड्स मिलेंगे जिनकी अथॉरिटी इस वक्त ज़्यादा है, जो बार बार सर्च किए जाते हैं। आप ये देखिए कि सर्च कौन से हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि गूगल में ख़ुद से अपनी वेबसाइट के मुतालिक जो चीज़ें हैं जिसके लिए भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आप मुख्तलिफ सर्चेस करके देखें कि ये किस किस्म के कीवर्ड्स के साथ टॉप पे आती है और किस कितने पेजेस पेज पे आती है फिर, और इन टूल्स की मदद से आपको कीवर्ड्स को फिल्टर करने में बड़ी आसानी मिल जाएगी। तो इसमें फिर एंकर टैक्स का बड़ा अहम होता है कि आपने, जैसे मैंने बताया कि नाम, टाइटल ऑफ द पेज, नाम, फिर स्लग जो पीछे सर्च इंजन फ्रेंडली एक स्लग बनाया जाता है, वो आपने उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से बनाना है, ठीक है।
अगर आप उन कीवर्ड्स और फिर उसके बाद इनडायरेक्टली आप यूआरएल्स को, अब बाज एक चीज़ और आपको यहाँ पर टिप बताऊँ, जब आप किसी भी वेबसाइट पर अपना लिंक क्रिएट कर रहे हैं या आपने किसी ब्लॉगर को ये टास्क दिया है तो वो ये जानता होगा, या अगर नहीं जानता तो आप उसे ज़रूर ये चीज़ गाइड करें कि आपने डायरेक्ट यूआरएल को, यानी कि अगर लेट्स से abcdentist.com है तो उसका जो प्राइमरी डोमेन है उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता कि आप किसी भी जगह पर जाके एग्जैक्टली यूआरएल लिख दें। आप कीवर्ड्स के कीवर्ड के पीछे आप एक यूआरएल को लेकर आएँ, और यूआरएल भी .com पे खड़ा ना करें, आप उस पर क्या करें कि जैसे अबाउट अस आप बनाते हैं किसी अगर डॉक्टर की बात हम कर रहे हैं जैसे डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट का जो नाम है वो भी एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है, और फिर उसका सिटी, फिर उसकी इस तरह का जो आप लॉन्ग फ्रेज की जो कीवर्ड्स अपने बनाए हुए होंगे उनकी मदद से आप उन्हीं की मदद से वो वेबसाइट वो लिंकिंग क्रिएट करें और लिंक पेजेस का एड्रेस दें। जो आप लिंक क्रिएट करेंगे उसमें लिंक पेजेस का एड्रेस दें, आप क्या होगा कि कीवर्ड जो बैकलिंक क्रिएट हो रहा है अगर वो भी लेट्स से इस्लामाबाद डेंटिस्ट है और जिस पेज पे वो लैंड करने वाला है वो भी abcdentist/islamabaddentist है, तो ये बड़ी तेज़ी से अच्छे तरीके से ये इंडेक्स होने की इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस किस्म की कोई आप जब स्टडी करते रहेंगे कि किस किस्म के जो मुख्तलिफ जैसे पेंगुइन है या पांडा था, तो ये जो एल्गोरिदम्स गूगल बनाता रहता है इनको, इनकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और ये इसी वजह से एल्गोरिदम्स में चेंजेस लेकर आते हैं कि बहुत सारे स्पैम वेबसाइट्स, बहुत सारी जो कंटेंट इतना यूज़फुल नहीं होता वो क्योंकि हर वो इंडेक्स होना शुरू हो जाता है, तो उन चीज़ों को फ़िल्टर करने के लिए गूगल हर कुछ अरसे के बाद एक नया एल्गोरिदम में थोड़ी बहुत चेंजेस करता है, जिससे आप अगर पहली अपने पहले पेज में थे, पहले 20 लिंक्स में थे, तो आप अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसके नए ब्लॉग्स नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उन वो कीवर्ड्स की डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी और वो वैनिश हो जाएंगे, वो हो सकता है अब वो 20वें पेज पे आ जाएं, 30th पेज पे चले जाएं, जो कि आपको पता है कि यूज़र जो है जो सर्च कर रहा होता है कंटेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 या 4 पेजेस तक डेप्थ में जाता है, इससे आगे नहीं जाता, और इससे आगे वो फौरन नया कीवर्ड लिख देता है अगर उसको उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिले तो वो 3 पेजेस तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वो नया कीवर्ड ट्राई करेगा। तो जितनी आपकी स्टडी होगी, जितने आपने अच्छे कीवर्ड रिफ़ाइन किए हुए होंगे, सर्च किए हुए होंगे, यूज़ किए हुए होंगे, वो उसी तरीके से जाएगा। अब इसकी सबसे अहम टिप यही है कि आप अपनी अब जो नई वेबसाइट्स आती हैं उनमें कोई किसी भी, चाहे कॉर्पोरेट है चाहे जो भी है, उसमें ब्लॉग का ऑप्शन लाजमी रखें, ब्लॉगिंग का, और हर हफ्ते हर 2 हफ्ते बाद आपको अब एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी है जो गूगल को हेल्प करेगी आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए कि आप 1 मंथ में कौन कौन सा नया ब्लॉग लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स लिखते हैं या कोई नई प्रोडक्ट्स डालते हैं या कुछ करते हैं, ताकि उसको गूगल का जो पेट है वो भरता रहे लिंक्स को, क्योंकि गूगल को लिंक्स की तलाश है, कीवर्ड्स की तलाश है, और वो ये भी नहीं चाहता कि कीवर्ड्स की मदद से वो एक्सप्लॉइट हो जाए और गलत वेबसाइट्स पे थ्रू करना शुरू कर दे लोगों को। गलत मीन के डिस्ट्रैक्शन हो, यानी कि यूज़र ढूंढ कुछ रहा हो लेकिन कोई ये जो कीवर्ड्स की मदद से वो किसी और वेबसाइट की तरफ चले जाएं, और क्योंकि दुनिया जो है वेबसाइट्स की और इंटरनेट की, वो तो आप एक दफ़ा जब फंस जाएँ गलत, उसमें एक गलत सिम्ट में निकल जाएं, तो फिर लिंकिंग आपको कहीं से कहीं लेके चली जाती है। तो ये कुछ चीज़ें, ये जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको स्टडी करें, इनको यूज़ करें, और फिर आपको पता लगेगा कि आपने लिंकिंग कैसे डेवलप करनी है,
और ये जो दो थोड़ी सी टिप्स मैंने आपको दी हैं कि लिंक बिल्डिंग में, एक तो ये है कि आपकी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर लिंक, उस पर कंटेंट अपडेट होना चाहिए हर हर में हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद, हर 3 हफ्ते बाद, या मैक्सिमम 1 मंथ के बाद लाजमी होना चाहिए, ताकि गूगल उस पर आता रहे, उसको विजिट करता रहे और इंडेक्स करता रहे। दूसरा, जो आप बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, अब आप अगर बहुत सारे टूल्स ऐसे मिलते हैं और फ्री वेबसाइट्स ऐसी मिलती हैं जो आपको ऑफर करेंगी कि जी आप हमें इतने पैसे दे दें और आपके 1,000 बैकलिंक्स क्रिएट हो जाएंगे, या 2,000, या 1 लाख, उन बैकलिंक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जाके रैंडमली कुछ ऐसे नो फॉलो लिंक्स क्रिएट कर देगा, जिससे जिससे इन द लॉन्ग रन आपको, जैसे कमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे खाली पेजेस क्रिएट क्रिएट हो जाते हैं जाके, उनमें जाकर वो आपके पे लिंक्स डाल देगा और डायरेक्ट यूआरएल्स डाल देगा, जिससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तरीका यही होता है कि अपने जानने वाले, जो जिनकी आपको पता है कि वेबसाइट्स हैं और अच्छे अच्छी सर्च हो रही हैं, तो उनकी वेबसाइट्स पे क्रिएट करें, और इसी तरीके से कि कोई इनडायरेक्टली अपना कोई आर्टिकल लिखें जो उन वेबसाइट्स पे पब्लिश कर दें, और उसमें इनडायरेक्टली तरीके से उसी कीवर्ड से आप लिंकिंग करें अपनी वेबसाइट से। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ ऐसे ब्लॉगर्स आपके शहर में मौजूद होंगे जिनकी वेबसाइट्स बहुत अच्छी होंगी, जैसे ऐसे न्यूज़ सर्विसेज होती हैं, जैसे अगर आपके जानने वाले हैं या कोई पेड सर्विस है, तो आप उनसे वो थोड़ी बहुत पेड करके अच्छे लिंक्स, और ये हो सकता है कि एक या दो अच्छे बैक लिंक्स भी आपको बहुत सारी ट्रैफिक देना शुरू कर दें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी, अगर आपकी अच्छी वेबसाइट पर लिंक मौजूद हैं तो आप उसी तेज़ी से वही 2 या 3 या 5 बैक लिंक्स ही आपको काम आना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा, जो गूगल से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जहाँ जहाँ आपकी वेबसाइट रजिस्टर हो सकती है, लिंक हो सकती है, वो आपने सबसे पहले करना है, जैसे कि एलेक्सा है, जैसे कि गूगल वेब मास्टर टूल है, या इस तरह में आपने जो मैप और वो जो होता है, ये सारे जो जो छोटे इन ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपको वेबसाइट के अंदर अपने कोड में डालनी है, वो सारा कुछ करने के बाद लिंकिंग आती है। पहले आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको यूज़, उसका जो कोड है उसको SEO फ्रेंडली करना है, और उसमें वो तमाम टूल्स और कीवर्ड्स और प्लगइन्स मौजूद हों जो उसको इंडेक्स होने में मदद दे रहे हों, तब आपकी लिंकिंग जो है वो कामयाब होगी। उसके बाद कोशिश करें कि जो .com है, .edu है, .edu में अगर आपको .edu जो डोमेन्स होते हैं बहुत अथॉरिटी होती है उनकी, बहुत गूगल उनको बहुत वेटेज देता है, और इसी तरह .gov है, या इस तरह NGOs के .org है, इनको गूगल बहुत वेटेज देता है कि इनमें जो वेबसाइट्स जो लोग बनाते हैं वो ख़ास तौर पे बड़े पर्टिकुलरली अपने किसी ख़ास इंस्टीट्यूट, अपने ख़ास टॉपिक, अपनी ख़ास जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उसी लिहाज से बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग .com ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको पता नहीं लगता कि कौन सी वेबसाइट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है या नहीं। तो कोशिश करें कि अगर .gov में, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में अगर आपके लिंक्स क्रिएट हो जाएं, बैक लिंक्स क्रिएट हो जाएं, .edu में जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, उनमें कोई आपको गेस्ट आर्टिकल्स में आपका लिंक क्रिएट हो जाए, इसमें वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो टॉप ब्लॉगर्स की वेबसाइट हैं, जो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, उनमें आपके आर्टिकल्स छपना शुरू हो जाएं। इसके अलावा आप अपना जो ब्लॉगिंग सेक्शन बनाएंगे उसमें आप अच्छे ब्लॉगर्स को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपके लिए, आर्टिकल राइटर जो SEO एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको आप कह सकते हैं, उनको हायर करें, वो आपको उन बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस जो गूगल गाइडलाइंस हैं किसी भी आर्टिकल के लिए, कि उसमें करेक्टर्स कितने होने चाहिए, उसमें कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, कितने उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, कितनों को आप लिंक्स कर सकते हैं, कितनों को आप लिंक्स नहीं कर सकते, इस इन तमाम चीज़ों की गाइडलाइन पता होगी तो अच्छे लिंक्स क्रिएट होंगे, और इन तमाम टूल्स की मदद से फिर आपको उनको स्प्रेड आउट और बनाने में मदद करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लिंक बिल्डिंग में, उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छा लगेगा, और इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर फीडबैक कमेंट्स में बताएं मुझे कि आप इनको ये
फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आगे मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है, कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोई एक अच्छा टॉपिक लेकर कोशिश करता हूँ कि अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू वेरी मच।